पहली बात, फैजू इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय एंड वो बहुत मेहनत करता है, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, और मेरे को पता है कि ये टीम 07 के जितने बंदे हैं उन लोग का हार्डवर्क कितना होता है और वो कितने मेहनत से आए। धारावी में रहते हैं वो लोग, मालूम है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ, मेरे फ्रेंड्स धारावी में रहते हैं एंड वो ज़मीन से उठे और इतना मेहनत किया ना जिसने आज तक किसी ने नहीं किया। आई डोंट थिंक सो कि कोई सेलिब्रिटी भी उतनी मेहनत किया रहेगा जो इन लोग ने किया है। तो मेरे को ना उनकी हार्डवर्क की रिस्पेक्ट है, उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट है, तो आई एम ऑलवेज बाय देयर साइड। वो ऐप वाले लोग बेहतर जाने और जो ऑफिशियल्स है जो देख रहे हैं ये सब चीज़ों को, उन लोग को पता रहे ये सब चीज़ें। मेरे को बहुत बुरा लगा ये सब सुन के, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ एंड पता है कैसा मालूम है, वो ना दिखने में बड़े दिखते हैं लेकिन है ना उन लोग का दिल है ना बच्चों जैसा है एंड दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, और एक्चुअल में बच्चे ही है। आपको अगर पता होगा तो किसी की उम्र 21 साल है, कोई 22 साल का है, कोई 20 साल का है, मैं 24 साल का हूँ, मेरे से भी छोटे वो मेरे को भाई बोल के बुलाते हैं। तो मेरे को पता है कि वो बच्चे एंड उनका ये सब चीज़ों में कोई इंटेंशन कभी था ही नहीं एंड देयर जॉब इज़ टू प्रमोट पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी, और वो हमेशा से यही करते आ रहे। आपको पता है ऐसे बहुत सारे उनके अच्छे वीडियोज़ भी है, अगर उनके अकाउंट्स में आप जाओगे, वेयर दे हैव क्रिएटेड वीडियोज़ फॉर आर मदर नेशन दैट इज़ इंडिया। तो आई डोंट थिंक सो मीडिया ने वो वीडियोज़ उठा के दिखाया अभी तक किसी को। तो मैं तो मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार जाओ उनकी प्रोफाइल्स को देखो, आपको पता चलेगा उनके कितने वीडियोस अच्छे वीडियोस हैं। मतलब एक इंसान ने कुछ, पहली बात उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं और फिर भी उन्होंने सॉरी बोला, गलती किया नहीं फिर भी सॉरी नहीं बोला। एज अ पब्लिक व्यूअर मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा वो चीज़, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है बेसिकली ये सब चीज़ें। एंड मेरा तो बस इतना ही बोलना है कि दे आर डैम टैलेंटेड एंड अल्लाह बेहतर जानता है कौन गलत है कौन सही, एंड मंजिल आसान करे सबकी, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है सबको आसान करे, मेरी तो यही दुआ रहेगी। एंड बाकी मूवी के लिए आए तो मूवी देखेंगे अभी। उनके अरेस्ट का मैंने सुना बट मेरे को मालूम नहीं क्यों और क्या हुआ है, क्योंकि मैं शाम को सो के उठा हूँ तो जब तक मेरे को मालूम नहीं पड़ता है मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी बट या एजाज खान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर, मेरे को बहुत पसंद है वो, क्योंकि बिंदास बंदा है एंड उनका जो फाउंडेशन है अल्लाह के बंदे फाउंडेशन, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको उन्होंने हेल्प किया था तो मेरे को वो अच्छे लगते हैं, उनके जो अच्छे काम करते हैं ना। तो मेरी आदत है, मैं ना हर किधर भी कुछ भी होता है ना मैं तो पॉजिटिव चीज़ों को पहले देखता हूँ। सो आई फाउंड दिस नोबल कॉज वेरी पॉजिटिव, तो मैं वो चीज़ों के बारे में बोलूँगा। अगर एजाज खान ने अच्छे काम किया मैं अच्छे कामों के बारे में बोलूँगा उनके। सर मेरे को नहीं पता वाई पब्लिक एंड मीडिया दे आर पुशिंग ये टॉपिक को इतना, बट जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना उनको कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। आपको भी पता है कि शाहरुख खान कहाँ से कहाँ पहुँचा, अमिताभ बच्चन सर कहाँ से कहाँ पहुँचे, मिथुन चक्रवर्ती कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो अगर टैलेंट है और बंदा मेहनती है ना तो उसको कोई एक पर्टिकुलर ऐप के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, उसका टैलेंट उसको लेके जाएगा इंशाल्लाह आगे। बस इतना बोलूँगा, मेरी जान टीम 07, तुम लोग बहुत मिस कर रहा हूँ तुम लोग को, और तुम लोग लोगों को पता है यार तुम लोग का दिल साफ है, तुम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो, लोगों को एंटरटेन करो एंड टीम नवाब ऑलवेज बाय योर साइड। मैं फुटबॉल का, मतलब मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है एंड आई स्टेड आउट ऑफ इंडिया फॉर लाइक 6 ईयर्स, तो ये 6 साल है ना मैं टाइम पास करता था ना तो मैं फुटबॉल ही देखता था, या तो प्ले स्टेशन पर या एक्सबॉक्स पर फुटबॉल ही खेलता था। तो जब मेरे को मालूम पड़ा कि फुटबॉल से रिलेटेड मूवी है और मैं भी इनवाइटेड हूँ उसके प्रीमियर पे, सो आई वाज डैम हैप्पी एंड मेरे को देखना है मूवी में क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर इज सुपर ऑसम। कैसा बोल सकते हैं, दिस जर्नी स्टार्टेड 1 ईयर बैक एंड बहुत सारे स्ट्रगल से बहुत सारा मेहनत किया। पहले तो मस्ती मजाक के लिए हम लोग वीडियोज़ बनाते थे लेकिन पता नहीं चला कि कब वायरल हो जाएगी और ये सब चीज़ें होने लग जाएगी, और एक स्टार का टैग दे दिया, सेलिब्रिटी का टैग दे दिया। बट टू बी फ्रैंक मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरे को पब्लिक इन्फ्लुएंसर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आई लव प्रमोटिंग पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी एंड दैट्स अ रियल जॉब ऑफ अ इन्फ्लुएंसर। एंड जैसे कि अभी जो करंट सिचुएशंस चल रहे हैं बहुत, मतलब कैसा बोल सकते हैं कि थोड़े शेकी मूमेंट्स है, बट आई ट्रस्ट एवरीबडी एंड मेरे को पता है कि ऊपर वाला सही लोगों के साथ सही करेगा और गलत लोगों के साथ गलत।